हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्रीकल्चर के बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कई सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज और ICAR और एज एग्रीकल्चर बेसिक आपको पता होना चाहिए, जो कि है सम टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फ्लोरिकल्चर दैट इज फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की खेती करना। नाउ नेक्स्ट, ओलेरीकल्चर फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों की खेती करना, जिसमें चाइना पहले स्थान पर है और भारत देश दूसरे स्थान पर। नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट कल्चर ग्रोइंग ऑफ ग्रास, यानी कि घास लगाने का तरीका। नाउ नेक्स्ट, पोमोलॉजी फ्रूट्स फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों की खेती करना यानी फलों का उत्पादन करना। नेक्स्ट, इंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स पालना और उनसे वस्तुएं प्राप्त करना। नेक्स्ट, पैथोलॉजी डिसीज के बारे में जानना तथा उनको कंट्रोल करना। नाउ नेक्स्ट, सोइल साइंस सॉइल की फिजिकल और केमिकल कंडीशन को समझना, जैसे सॉइल pH। लेक कल्चर लेक इंसेक्ट से लेक प्राप्त करना। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन कर शहद उत्पादन करना। सेरी कल्चर सिल्क वॉर्म रेशम कीट का पालन तथा रेशम बनाना। नाउ नेक्स्ट, पीसी कल्चर मछलियों का पालन करना। देन नेक्स्ट, विटी कल्चर अंगूर का उत्पादन करना। नाउ एर्बोरी कल्चर वृक्ष लगाना तथा वृक्षों की उपयोगिता को समझना। सिली कल्चर फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना और काटने से रोकना। नेक्स्ट, पॉली कल्चर एक से ज़्यादा फसलें लगाना तथा उनकी देखभाल करना। अब हम बात करने वाले हैं रिवोल्यूशंस। नाउ फर्स्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। इट इज़ रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं एवं चावल में अधिक सफल हुई है। व्हाइट रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, जो कि वर्गीस कुरियन ने दी। नाउ येलो रिवॉल्यूशन, यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट, गोल्डन रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। एंड लास्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इट इज रिलेटेड टू मछलियों का उत्पादन। एंड लास्ट, ग्रे रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर का उपयोग। नाउ यूर ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट, रेड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मीट और टोमेटो। एंड देन सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग और पोल्ट्री। एंड लास्ट सेकंड, पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू प्रॉन। एंड लास्ट, ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू चॉकलेट और बेकरीज। राउंड रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू पोटेटो। एंड नेक्स्ट, रेनबो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू सभी रिवॉल्यूशन में एक साथ। ब्लैक रिवॉल्यूशन एनर्जी सोर्स जैसे पेट्रोल और कोल। बादामी रिवॉल्यूशन स्पाइसेस या मसाला उत्पादन के लिए। एंड परभनी रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू ओकरा एंड भिंडी। नाउ वी विल सी सम इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट, लैक्टोमीटर दूध के रिलेटिव डेंसिटी नापने के काम में आता है। सेकंड, बेरोमीटर इट इज रिलेटेड टू एयर प्रेशर नापने के काम में आता है। नाउ थर्ड, एनेमोमीटर इट इज फॉर वाइंड वेलोसिटी, यानी कि वायु की गति नापना। नेक्स्ट, जेल मीटर पेक्टिन का परसेंट जानने के लिए या पेक्टिन जेली बनाने के लिए आवश्यक। देन लास्ट, थर्मोमीटर इट इज यूज फॉर टेम्परेचर। नाउ रेफ्रोमीटर TSS दैट इज टोटल सोल्यूबल सब्सटेंस। देन बेरोग्राफ यह एयर प्रेशर को पेपर पर ग्राफ के रूप में दर्शाता है। देन थर्मोग्राफ यह टेम्परेचर को पेपर पर ग्राफ के रूप में दर्शाता है। नाउ लास्ट, किस्कोग्राफ यह प्लांट की ग्रोथ को नापने के काम में आता है। दोस्तों, लास्ट में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको वीडियो में जो मैंने बताया गया है वो आपको याद ना हो तो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें, आपको ज़रूर याद होगा और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्रीकल्चर के बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि